नमस्ते दोस्तों, आज सरोज शर्मा किचन में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज आपको हम गांव स्टाइल में छोले और आलू की बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी कैसे बनाई जाती, वो भी घर की फैमिली के साथ में, सभी के साथ में, तो उसकी विधि बताते हैं। दोस्तों, बनाने के लिए मैंने सामग्री ली है। तो सबसे पहले मैंने, देख सकते हैं, भगोने में तेल डाल दिया है और तेल हमारा गर्म हो चुका है। तो मैंने 1 चम्मच जीरा डाल दिया है और सबसे पहले हम इसमें राई डालेंगे 1 चम्मच। 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच मैंने राई डाली है और इसमें हम डालेंगे, तो ये मैंने दोनों चीज़ों को डाल दी। ये मैंने ग्रेवी बनाई है प्याज लहसुन अदरक की, तो इसको मैंने मिक्सी में पीस करके बनाई है ग्रेवी। तो इसको हम पका लेते हैं। प्याज और हरी मिर्ची और अदरक और लहसुन की ग्रेवी मैंने अलग बनाई है और मैंने टमाटर की ग्रेवी अलग बनाई है, क्योंकि इससे बहुत ही अच्छा ज़्यादा फ्लेवर आता है। तो ग्रेवी को पकाने के लिए हमें 3 से 4 मिनट का वक्त लग जाएगा। तो ग्रेवी को हमें पकाना है सबसे पहले, तो आप चाहें तो ढक के भी पका सकते हैं या इस टाइप से भी पका सकते हैं। और इस टाइम में दोस्तों आपको गैस का फ्लेम बिल्कुल कम रखना है, क्योंकि नहीं तो नीचे से ग्रेवी हमारी चिपक सकती है, जल सकती है। और इसको हमें बीच बीच में मिक्स भी करते रहना है। और ज़्यादा मेम्बर की सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है, तो वो आपको मैं बताती हूँ कि आप घर में 100 मेम्बर की सब्ज़ी भी बना सकते हैं, 10 की भी बना सकते हैं। आपके घर में जितने मेम्बर हैं उसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं। और बहुत ही ईजी है दोस्तों तरीका। तो ये देख सकते हैं ग्रेवी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसको बीच बीच में चला सकते हैं, क्योंकि ये नीचे चिपक सकती है। तो अब मैंने हींग लिया है, हींग क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में डाला है, क्योंकि हींग की खुशबू बहुत ही ज़्यादा अच्छी आती है अगर आप थोड़े से ग्रेवी की लास्ट में डालेंगे तो। अगर आप तेल में पहले डालेंगे तो जो हींग है वो जल जाएगा और बहुत जो उसकी खुशबू है वो बिल्कुल नहीं आएगी। तो ग्रेवी भी हमारी पकना स्टार्ट हो चुकी है, 3 मिनट तो हो चुके हैं ग्रेवी को पकते हुए। और हमें इसको बीच बीच में इसी टाइप से चलाते रहना है, तो जो ग्रेवी का कलर है वो चेंज होने लगा है। आप चाहें तो इसको ढक के भी पका सकते हैं, क्योंकि इसमें देख सकते हैं इस तरीके से छींटे लग रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं लगेंगे। तो ग्रेवी हमारी बनके तैयार हो चुकी है। तो अब हमें आलू लेने हैं इसके अंदर डालने के लिए। और ये मैंने, देख सकते हैं, आलू लिए हैं। आलूओं को हम बॉईल कर लिए हैं पहले से ही, और इसको हल्का सा मैश करना है आलू को। तो इस टाइप से आलू को हम मैश करेंगे, और इसको हमें ज़्यादा बारीक नहीं करना है आलू को, मैश हल्का ही मैश करना है, क्योंकि ज़्यादा बारीक करने से जो सब्ज़ी का टेस्ट है वो बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्टेप इसी तरीके से हम पूरे आलू को अच्छे से मैश कर लेंगे। और ये मैंने टमाटर की ग्रेवी पीस रखी है, तो ये हमारी जो ग्रेवी है वो बिल्कुल अच्छे से पक के तैयार हो चुकी है। तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक के पकाना है, ताकि ढकने से बहुत ही अच्छी पक जाती है। पर गैस का फ्लेम दोस्तों आपको बिल्कुल कम रख के ही पकाना है, क्योंकि ज़्यादा रखेंगे तो नीचे से चिपक जाएगी, नीचे से जल सकती है। तो इसीलिए आप जब भी ढकें तो गैस का फ्लेम बिल्कुल कम लो रखें। तो इसको हम फिर से चेक कर लेते हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, ग्रेवी हमारी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनके तैयार हो चुकी है। और ये जो मैंने टमाटर की ग्रेवी पीसी थी उसको भी हम डाल दिए हैं, और उसको डालने के बाद में हम अच्छे से इसको मिक्स भी कर लिए हैं। तो ये देख सकते हैं दोस्तों, मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। और इसमें अब हमें सूखे मसाले डालना है। तो मैंने टमाटर की ग्रेवी को अच्छे से मिक्स कर लिया है, तो अब इसमें हमें सूखे मसाले ऐड करना है। तो स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने लाल मिर्च ली है। इसमें 2 से 2.5 चम्मच हम लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और ये तीखी वाली है। और मैंने हरी मिर्ची भी इसमें पहले डाल दी है। तीखा आपके स्वाद के अकॉर्डिंग दोस्तों आप ऐड कर सकते हैं, जितना खाना पसंद करते हैं। और ये मैंने हल्दी ली है 2.5 चम्मच,
और स्वाद के अकॉर्डिंग दोस्तों मैंने 4 चम्मच नमक लिए हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें दोस्तों हम ज़्यादा मसाले भी नहीं यूज करेंगे। आप कम मसालों में और ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी किस तरीके से बनाई जाती है मैं गारंटी करती हूँ दोस्तों। अगर आप इस टाइप से बनाएंगे छोले आलू की सब्ज़ी तो आपका जो मुँह का स्वाद है वो कभी नहीं भुला पाएंगे, क्योंकि इतनी ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो आपके घर में कितने मेंबर हैं आप उनकी सब्ज़ी भी बना सकते हैं। और ये मैंने छोला मसाला लिया है और इसमें थोड़ा सा मैंने खड़ा धनिया भी डाला है और सभी मसाले डाल करके मैंने ग्रेवी को देख सकते हैं अच्छे से बना लिया है। तो मैंने इसके अंदर आलू अब हम डालेंगे। सभी चीज़ें डाल दिए मैंने, जो मसाले थे वो सब मसाले मैंने इसके अंदर डाल दिए और मसाले को पकाने के बाद में ही हम इसमें आलू डालेंगे। तो आलू भी मैंने डाल दिए और आलू डालने के बाद में हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं ये मैंने बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अच्छे से मिक्स कर लिया है और ये बहुत ही ज़्यादा, अब भी इसमें पानी डलेगा क्योंकि हमें थोड़ी रसीली बनानी है। तो आलू को हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इस तरीके से और अब इसमें हम डाल रहे हैं छोला। तो ये मैंने छोला पहले से बॉईल कर रखे थे तो छोले हम डाल देते हैं। तो छोले डालने के बाद में भी हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये दोनों जो अच्छे से हमारे मिक्स हो चुके हैं, आलू भी और छोले भी। अब इसमें हमें पानी डालना है तो पानी आपके आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं, जितना आप रसीली बनाना चाहते हैं। तो सब्जी को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देख सकते हैं ये मैंने छोला डाल दिया है, अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप इसमें डाल सकते हैं, जितनी रसीली बनाना चाहते हैं सब्जी को। और पानी डालने के बाद में हम इसको अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो मैंने इस स्वाद के अकॉर्डिंग मैंने इसमें पानी डाल दिया और ये उकाल भी आ चुकी है देख सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ी सी छाछ डालना है क्योंकि उससे जो सब्ज़ी है बहुत ही ज़्यादा टेस्ट आता है सब्ज़ी का। तो आधा लीटर मैंने इसमें छाछ डाली है और छाछ हमारी ज़्यादा खट्टी नहीं है, नॉर्मल जो छाछ होती है वही छाछ है। ज़्यादा खट्टी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी नहीं बनेगी सब्ज़ी। तो आप जो आपके घर में जो छाछ है उसी की आप बना सकते हैं, डाल सकते हैं। तो छाछ डालने के बाद में हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है क्योंकि नहीं तो ये फट सकती है, तो इसीलिए हमें इसको कंटिन्यू इसी टाइप से चलाते रहना है। और तब तक ये उकाल नहीं आ जाती तब तक हमें इसी टाइप से इसको चलाना है। और मैंने पहले भी बोला था कि आपको जितनी रसीली बनाना हो आपके स्वाद के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। तो ये देख सकते हैं अच्छे से उकाल आना स्टार्ट हो चुकी है। तो सब्जी में हमारे अच्छे से उकाल आ चुकी है देख सकते हैं। तो इसमें हमें 2 से 3 उकाल आने तक पकाते रहना है और इसको कंटिन्यू इसी टाइप से चलाते रहना है। तो ये बिल्कुल अच्छे से उकाल आ रही है और इसको हमें कंटिन्यू इसी टाइप से चलाते भी रहना है। और मैंने इसमें सभी मसाले डाल दिए हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से उकाल आ चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से छोले की हमारी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट सब्जी भी बन करके तैयार हो चुकी है। अगर आप इस ट्रिक से बनाएंगे तो आपके घर में कितने भी मेंबर हैं बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट आप सब्जी घर में बना सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ज़्यादा कम मसालों से, क्योंकि जितने कम मसाले डालेंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी टेस्टी सब्जी बनेगी। तो दोस्तों हमारी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनाने की रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो प्लीज़ कर लीजिए, सबसे पहले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आती रहेंगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।